हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो रफाल के लिए एक न्यूज़ आ रही है जिसमें उसके लिए एक और वेपन को टेस्ट किया जा रहा है। जैसा कि हम जानते हैं, रफाल कैपेबल है प्रीसीजन गाइडेड म्यूनेशन हैमर को फायर करने में। उसी हैमर का 1000 किलोग्राम का वर्जन जो है उसको टेस्ट किया गया है पहले सेपरेशन टेस्ट में। तो जो सेपरेशन डायनामिक्स थी पहले दो फायरिंग में, वो एकदम सिमुलेशन से मैच करती हुई थी। तो ये जो टेस्ट है वो एक सक्सेस था। तो इसका जो लाइव फायरिंग टेस्ट है वो 2021 में कंडक्ट किया जाएगा, जो इसके फाइनल डेवलपमेंट क्वालिफिकेशन का पार्ट होगा। तो अगर हम अभी के हैमर की बात करें तो वो 250 किलोग्राम के म्यूनेशंस हैं, जो कि करीबन 50 से 60 किलोमीटर तक की रेंज देते हैं हाई एल्टीट्यूड से, और 15 किलोमीटर की रेंज देते हैं लो एल्टीट्यूड से। तो ये नंबर डेफिनेटली रिड्यूस होंगे जब 1000 किलोग्राम के बॉम्ब को इस किट में यूज़ किया जाएगा, और वो तब पता लगेंगे जब इसके सारे टेस्ट कंडक्ट हो जाएंगे। तो एक बार ये म्यूनेशंस डेवलप होने के बाद रफाल एक बार में 3000 किलो के जो हैमर हैं उनको कैरी करने में सक्षम होगा, और इसकी जो स्ट्राइक कैपेबिलिटी है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो इन बॉम्ब के जो सर्विस एंट्री है उसे 2022 में प्लान किया गया है। अब थोड़ा इन बॉम्ब को हम डिटेल में जान लेते हैं। तो हैमर का फुल फॉर्म है हाईली एजाइल मॉड्यूलर म्यूनेशन एक्सटेंडेड रेंज। ये एक्चुअली एक किट है जो कि बॉम्ब में लगती है और इसे प्रिसीजन गाइडेड म्यूनेशन बना देती है। तो इसके तीन पार्ट होते हैं, पहला गाइडेंस किट होती है, दूसरा एग्जिस्टिंग बॉम्ब होता है, और तीसरा रेंज एक्सटेंशन किट होती है। गाइडेंस किट में इसमें इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम और GPS दोनों हो सकते हैं, या फिर इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम, GPS और IIR ये भी हो सकते हैं, या फिर IIR को रिप्लेस करके लेज़र भी हो सकता है। तो टारगेट के हिसाब से आपको ये तीन ऑप्शन मिल जाते हैं इसे गाइड करने के लिए। बाकी जो रेंज एक्सटेंशन किट है उसमें सॉलिड रॉकेट मोटर लगी होती है, तो ये एज अ मिसाइल काम करता है, इसे आप बॉम्ब नहीं कह सकते। तो इसकी जो एक्यूरेसी है वो 1 CEP की है। तो ये स्पाइस की तरह ग्लाइडिंग किट नहीं है, इसमें खुद का प्रोपल्शन सिस्टम है। इमेजिन करिए, एक पहाड़ के पीछे आपके एनिमी का बेस है, उसे डिस्ट्रॉय करना है, तो आपको ऊपर से इसको गिराने की ज़रूरत नहीं है। आप पहाड़ को एज अ शील्ड यूज़ करते हुए हैमर को ड्रॉप करेंगे, हैमर अपने आप एल्टीट्यूड गेन करेगा और पहाड़ को क्रॉस करके टारगेट को डिस्ट्रॉय करेगा। इस टाइम उसे गाइडेंस मिल रही होगी दूसरे एयरक्राफ्ट से, जो कि काफ़ी हायर एल्टीट्यूड पे होगा। इस चीज़ को हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, जहां पर हमने बताया था कि ये लद्दाख जैसे टेरेन में काफ़ी ज़्यादा यूजफुल हो सकता है। तो ये स्पाइस की तरह ग्लाइड नहीं करता है, इसके पास खुद का प्रोपल्शन है, तो ये खुद भी एल्टीट्यूड को गेन कर सकता है टेरेन से बचने के लिए। बाकी ये जो किट है ये कॉम्बैट प्रूवन है, इनको अफगानिस्तान में काफ़ी यूज़ किया जा चुका है, साथ ही साथ लीबिया में भी यूज़ किया गया है, और इनकी जो परफॉर्मेंस है वो काफ़ी सेटिस्फैक्ट्री रही है। तो ये काफ़ी अच्छा एडिशन होगा रफाल के लिए, और इसकी जो एयर टू ग्राउंड कैपेबिलिटी है उसको और भी ज़्यादा बढ़ाएगा। इसका डेवलपमेंट और भी क्रूशल हो जाता है अगर हम फ्यूचर में और भी बड़े नंबर में रफाल देखते हैं भारतीय वायुसेना की सर्विस में, जो कि एक अच्छी खासी पॉसिबिलिटी नज़र आती है। तो इसी बात पे इस अपडेट को ख़त्म करते हैं। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।